Hey guys, this is Shubhram and welcome back to the vlog. Let's start the journey without any delay. अभी हमें जाना है और 35 किलोमीटर, तो जल्दी से खत्म करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं, फिर मजा आएगा। ऐसा लग रहा है अभी मौसम खराब होने वाली है, सूरज देवता छुप गए हैं बादलों के पीछे और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे अभी, तो मुझे लग रहा है अभी कहीं रुक के मेरा स्वेटर पहनना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक मोड़ पे जो वेदर है वो चेंज हो रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना फॉग आ गया है, इतनी देर धूप था अचानक से फॉग। अभी हम लोग फॉग के अंदर घुसने वाले हैं। ओह इधर दिखाओ, सही में गाइस ये व्यू देख के तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। गाइस 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 यहाँ पे जो सीनरी है, जो व्यू है, वो देख के हम आगे बढ़ नहीं पाए, हमें रुकना ही पड़ा। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं दिखाता हूँ कैसा है व्यू। सरप्राइज, हेलो सर। हेलो व्लॉगर, कैसे? अपना चेहरा तो दिखाओ। और ये रहे हमारा विकास सर। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सुदीप तो किधर है? वो अभी अभी गए स्कूटी से, देखो जा रहा होगा वहां से। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था ये मिलना। और सुदीप तो भी है, वो आगे निकल गया है, बुलाते हैं उसको भी। मौसम तो काफी सही है, देखो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा मौसम मिलेगा। हम बस मसूरी तक आए थे, हम सोचे धनोल्टे तक जाए कि ना जाए, तो जाओ बहुत अच्छा होगा। लेकिन हम लोग जा रहे हैं सूरखंडा। सूरखंडा जा रहे हैं, हेलो चलो फिर हमारे साथ। कौन है ये? ये है सुदीप्तो। इनको मैंने बोला कि चलो साथ में चलते हैं, लेकिन ये लोग वापस जा रहे हैं फिलहाल।
बस तुसी जा रहे हो, 80 मिलेंगे। चलो फिर हम चले अपना डेस्टिनेशन पे। और मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ, नहीं अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ से ना बद्रीनाथ दिखता है, बद्रीनाथ का जो पहाड़ है अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ देखो दूर जो वो दिख रहा है ना व्हाइट पहाड़, वो हाँ बर्फ वाला, वो बद्रीनाथ है। धनोल्टी की कहाँ पे पड़ेगी? इससे स्टार्ट है ना, कहाँ तक है? आधा किलोमीटर तक। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं धनोल्टी, और सामने जो व्यूज है मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यू मिल रहा है हम लोग को देखने को, बहुत ही खूबसूरत है। ये भाई हम लोग आ पहुंचे हैं धनोल्टी इको पार्क में, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खाने पीने का दुकान वगैरह है, और इससे यहाँ पहुंचने से पहले आपको होटल वगैरह मिलेगा अगर रहना है आपको। टिकट कितने की आती है? 50 रुपीस पर पर्सन ना। अच्छा कब तक खुली रहती है ये? है आपका 5 बजे तक। 5 बजे तक और रोज 7 डेज खुली होती है हफ्ते में? 7 डेज खुली रहती है। ठीक है, फिलहाल हम अंदर नहीं जा रहे, लेकिन अगर आप धनोल्टी आ रहे हो तो आप इको पार्क में जा सकते हो। पर पर्सन 50 रुपीस, और मतलब पूरा वीक खुला रहता है ये, और काफी सही जगह है, लेकिन वेदर काफी ठंडा है और वैसे मजा आ रहा है। वैसा मुझे लग रहा है मुझे और थोड़ा सा बड़ा जैकेट लेके आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ठीक है, जो भी है मजा आ रहा है। जब अभी ऑलरेडी 2 बज चुका है, और अभी हमें जाने का प्लान है कि हम लोग सुरखंडा देवी मंदिर भी जाए, वहाँ पे ट्रैकिंग करें, तो देखते हैं फिर क्या होता है। उम्मीद है कि हम लोग आज पहुँच जाएंगे रात तक देहरादून में ये खत्म करके। हे गाइस, हेलो, तो हम आए हैं ये धनोल्टी इको पार्क में, और ये भाई साहब भी मिले हैं, ये भी ब्लॉगर है, तो अपने चैनल के बारे में थोड़ा बता दो हमारा व्यूअर को। मेरा चैनल है XIB ब्लॉग, तो आप जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और ये भाई है जो हम लोग धनोल्टी आए थे तो मिल गए थे रास्ते में, और ये आगे जा रहे हैं तो हो सकता है हम भी साथ ही में निकले। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट। उम्मीद तो ये है कि आप लोगों को ये जो सीनरीज और राइड हमने की है और जो सीनरीज हमने दिखाई है वो आपको पसंद आई होगी। तो मैं ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मेरे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं सुरखंडा की ट्रैक पे। बाय बाय, सी यू अगेन।